हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स अचीवर। इस वीडियो के थ्रू हम अब जो कवर करने जा रहे हैं वो है टॉपिक इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं और जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थ्योरी पे इक्विवेलेंट ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम डील करेंगे क्या इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स क्या है। जो कॉस्ट का सिस्टम है उसको आप आईटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी उसको इंस्टॉल करना है बेस लेवल पे। क्या चीज़ें कैसे करनी है, वी विल डिस्कस दैट पॉइंट इन दिस वीडियो। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल कॉस्टिंग सिस्टम, क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आपके सामने कि ऐसा क्या होना चाहिए कि कॉस्टिंग सिस्टम अच्छे से सेट आउट हो जाए। ठीक है, तो पहली बात, हर बिजनेस के अलग रिक्वायरमेंट है। अगर मानिए कोई कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। ठीक है, और कोई प्लास्टिक का कर रहा है तो उसको एनवायरनमेंट की भी चीज़ें, देखिए एनवायरनमेंट की चीज़ें उन्हें भी देखनी होती है बट इनको ज़्यादा देखनी पड़ेगी। कोई केमिकल का है तो उनको सिक्योरिटी क्लॉजेस ज़्यादा देखने पड़ते हैं। ठीक है, सो इट्स डिपेंड ऑन दी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सो बेटर ये होना चाहिए कि वो जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो बिजनेस से सुटेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कॉस्टिंग सिस्टम ही इतना महंगा पड़ जाए कि आप उसका रिटर्न आउटपुट कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओ। ठीक है, सो इकोनॉमिकल होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आपके इंडस्ट्री लेवल पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इक्विवेलेंट कंपैरिजन सेट आउट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको जहाँ तक पहुँचना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम चेंजेस इन एग्जिस्टिंग सिस्टम, आप जब भी कोई नया सिस्टम लेकर आओ उससे एग्जिस्टिंग सिस्टम इतना फ्लैक्सिबल और इतना अच्छे से कोप अप होना चाहिए, उतना उसमें स्पेस होना चाहिए बीच में कि अगर आप कोई चेंज ला रहे हो तो उसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड रखने चाहिए, मिनिमम चेंजेस रखने चाहिए एग्जिस्टिंग सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि आप डेली शेड्यूल फिक्स करो, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करो कि इसके बाद ये पढ़ना है ये वो, बट एक बीच में फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज देर इज सम अनसर्टेनिटीज। कुछ आपकी हेल्थ नहीं है या आपका आज कभी कुछ थोड़ा सा मूड वेस्ट हो गया, यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी दैट लॉन्ग आवर्स, या कोई टॉपिक है जिसने ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो जो स्पेस आपका बीच में खाली रहेगा ना, तो आप उस स्पेस पे उस चीज़ को फिल्डअप कर सकोगे, तो आपको बाकी आपकी टास्क और आपकी रूटीन्स हैम्पर नहीं होंगे। ठीक है, तो मिनिमम चेंजेस अगर हों एग्जिस्टिंग सिस्टम में तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, एक स्पेस मेंटेन होनी चाहिए। मिनिमम क्लैरिकल वर्क, यानी जो बेसिक क्लैरिकल लेवल का वर्क है वो भी बहुत लिमिटेड होना चाहिए। मटेरियल कंट्रोल पे फोकस होगा, वेजेस प्रोसीजर होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस, यानी कि सपोज करो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, एक आपका पैकिंग का हो जाता है, ठीक है, और एक आपका बाइंडिंग का हो जाता है। ठीक है, डिपेंड्स कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, बिकॉज जब आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना हमारे साथ तो आपका पूरा माइंडसेट कॉस्ट की तरह होना चाहिए। ठीक है, कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो। जब आप कोई थ्योरी एचआर पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं, तो आपका माइंडसेट मैं शिफ्ट करा देती हूँ कि आप एक एचआर की तरह सोचो, तभी आप पुशिंग करोगे। जब आप अकाउंट्स करते हो तो आपको बिल्कुल सोचना है कि वो आपका है एंड यू डील विद द बिजनेस एज योर बिजनेस। टैक्स करते तो एज अ इंडिविजुअल अपना पैसा बचाओगे, अपने टैक्स को डील करोगे, तो उस हिसाब से सोचना है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस विच सब्जेक्ट यू आर प्लेइंग एट दैट टाइम यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी टेक अ वेरियस रोल्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी उसको सेक्शंस में ब्रोक करना है, हर सेक्शन अपना अपने एक्सपेंस का डिटेल मेंटेन करेंगे और अपने इमीडिएट हेड को शेयर करेंगे, फिर वो अपना बनाएंगे, फिर वो अपने इमीडिएट हेड को शेयर करेंगे। तो देयर मस्ट बी अ डिपार्टमेंट वाइज और डिवीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ द एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका कॉस्ट अकाउंट है उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अलग होते हैं। वो दोनों प्रिपेयर करने के बाद दोनों में रिकंसिलेशन यानी मैचिंग भी होना चाहिए, कुछ डिफरेंसेस हैं तो उनको मीट आउट करना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की बात हुई है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ड्यूटी दी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट को ध्यान देना है। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान देना, बिकॉज एनवायरनमेंट क्या है, फ्लैक्चुअल है। ठीक है, एनवायरनमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएटिंग है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन और कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम, क्या इंस्टॉलेशन है कॉस्टिंग सिस्टम की, ठीक है। द फंडामेंटल फैक्टर एट अ कॉस्ट अकाउंट शुड कंसिडर, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें ध्यान देनी चाहिए, कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है शुड बी डिस्टर्ब एज लिटिल एज पॉसिबल। मैंने बार बार आपको बोला कि इतना टाइम स्पेस, इतना स्पेस देना चाहिए कि आपका एग्जिस्टिंग काम वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, या लीज डिस्टर्ब होना चाहिए, ठीक। देर शुड बी अ स्मूथ इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम, एक स्मूथ इंट्रोडक्शन हो नया सिस्टम आ रहा है, और ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि एक बैग लाया और लग दिया और बस सारे डिपार्टमेंट डिस्टर्ब हो गए उससे, नहीं, ग्रेजुअल भी होना चाहिए और स्मूथ दोनों होना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप जानी चाहिए, ठीक है। और रिकॉर्ड्स जो ओवर इलेबोरेट कर रहे हैं वो अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही ईजी वे में एज ए प्रेजेंटेबल फॉर्म चीज़ों को रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये सारी थ्योरी मैं स्ट्रेट अवे आपको PDF में दे सकती थी कि आप पढ़ लो, ये भी कर सकती थी कि आपको लिख के मैं बता रही हूँ, बट क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कुछ इश्यूज हैं बुक्स को लेकर के, तो इसीलिए इस मेथड को ऑप्ट आउट किया, और इस वजह से हमें रिवाइज वीडियोस भी क्रिएट करने पड़ रहे हैं टू हेल्प दोज एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो इफ इट फाइंड अ सुटेबल फॉर यू यू ऑफ दिस मेथड, अदरवाइज यू कैन स्किप, ओके, बिकॉज बहुत लोग इस चैप्टर को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, इस सिलेबस के पार्ट को, बट मैं कहती हूँ कि UPSC इज सो फ्लैक्सीबल, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। नेक्स्ट, क्या स्टेप होना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो अचीव करने हैं उस पर ध्यान देना है, ऑब्वियसली सबसे पहला प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के बाद ऑब्जेक्टिव पे ही हम ध्यान देते हैं, ठीक है। जो आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है आपको उस पर ध्यान देना है कि आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ पे कितनी चेंजेस लानी है, क्या करना है, यू हैव टू स्टडी, ठीक। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पूरा डिसाइड करना है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस चीज़ की फाइल मेंटेन करेगा, वो किसके पास इसके बाद जानी चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए, मतलब एक टाइप का ओवरव्यू डायग्राम, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। फिर कॉस्ट के रेट्स क्या फिक्स्ड होंगे, है ना, फिर उसके बाद सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक, कॉस्ट का अपना एक डिपार्टमेंट एक ऑफिस मेंटेन होगा, ठीक है, फिर कॉस्ट का रिलेशनशिप अदर डिपार्टमेंट से क्या होना है वो भी देखना है, ठीक है, और हर एक की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एंड क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप फॉर द इंस्टॉलेशन। देखिए ये सारे ना वीडियोस थोड़े से आपको बोरिंग लगेंगे, तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूंगी, बट जहाँ पे पॉसिबल होगा देयर ओनली आई कैन इंक्लूड दोज थिंग्स, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, सो आई एम टेकिंग ऑल द सब हेड्स इनटू सेम ब्रॉड हेड, ठीक है। डिफिकल्टीज क्या आ सकती है इंस्टॉलेशन पे, भाई आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है आपकी टॉप मैनेजमेंट से बोल तो देंगे वो कि चलो भाई कॉस्ट लगा दो, बट सपोर्ट नहीं करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो देर इज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। और आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट सिस्टम, उनको अगर काम थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए मुंह फुला के बैठ जाएंगे, ठीक है, तो वो चेंज होना नहीं चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं, क्यों कहते हैं भाई पे तो उतनी है एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, ठीक है ना। सो टॉप लेवल से सपोर्ट नहीं मिलता, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है, अदर लेवल से भी सपोर्ट नहीं मिलता, कोऑपरेशन नहीं मिलता उस तरीके से अदर लेवल ऑफ द ऑर्डर, लाइक एडिशनल पेपर वर्क बढ़ेगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जब आपको पेपर करने तो उसके अप्रूवल सिस्टम अलग होंगे, सो एवरीथिंग इज बिकमिंग अ कंबर्सन एंड पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग देयर, ठीक। तो टॉप लेवल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको जो है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ वो रेजिस्ट होके बैठे हुए हैं, अदर जो कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ्स हैं वो एडिशनल वर्क से, एग्जांपल मैं ले रही हूँ, एडिशनल उनका पेपर वर्क बढ़ गया तो उसके लिए वो चिढ़ रहे हैं, है ना, तो वो इसलिए कोऑपरेट नहीं कर रहे, ट्रेन स्टाफ नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है आपके पास, ठीक है, और एक्सपेंसिव हो सकता है ये सिस्टम कॉस्टिंग का ऑपरेटिंग करने के लेवल। लास्ट पॉइंट, स्टेप्स टू ओवरकम इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम डिफिकल्टीज, क्या क्या स्टेप्स ले लिया जाए ताकि ये जो इंस्टॉल कर रहे हैं और जो डिफिकल्टीज आ रही हैं कॉस्टिंग सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने में, उसको कैसे स्टॉप किया है। टॉप मैनेजमेंट मैंने कहा सपोर्ट नहीं करें, उनसे सपोर्ट मांगो, पहला स्टेप यही करो कि ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को समझने के बाद टॉप मैनेजमेंट को अपने फेवर में लाओ और एक्टिव इन्वॉल्व कराओ उनको व्हेनेवर यू नीड देम, ठीक है, मीन्स आपको जब भी जरूरत हो दे आर
स्टैंडिंग बिसाइड यू ऐसा लगना चाहिए। इसलिए पहला निशाना टॉप मैनेजमेंट में, ठीक, फिर इसके बाद एग्जिस्टिंग स्टाफ जो कि मेन है, ठीक है, उनसे डिस्कस करो, उनकी यूटिलिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो यूटिलिटी ऑफ द सिस्टम टू द एग्जिस्टिंग स्टाफ, मतलब टॉप मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है, फिर आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ पे, फिर उसके बाद जो वर्कर है जिनको लगेगा कि पेपर बहुत ज्यादा होने वाला है। आपको एक तरीके से देखिए तो ये पहले पूरी मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट को मेंटली सपोर्ट लेना है, एग्जिस्टिंग स्टाफ से मेंटली सपोर्ट लेना है, वर्कर्स का कॉन्फिडेंस लेना है ना, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग अकाउंट स्टाफ को ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखना है, प्रॉपर सुपरविजन करना है, रिव्यू करना है। तो एक तरीके से आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे एचआर नहीं इन्वॉल्व हो गया, सपोर्ट मेंटली काम कर रहे हैं, आप टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टाफ को कोऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, प्रॉपर सुपरविजन। तो देखिए आप खुद ही देखेंगे ना आगे पढ़ते पढ़ते सारे जो ये आपके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं दे आर कोलिंक्ड एंड दैट्स व्हाई दे आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ऐसे ही यूपीएससी में कुछ भी नहीं आ जाता। व्हाई ये ही चैप्टर क्यों आया, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, व्हेन यू गो द CWA और CA सिलेबस बहुत ड्रास्टिक सिलेबस है अकाउंट्स का एंड एवरीथिंग, बट यूपीएससी में एक लिमिट है एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द यूपीएससी and all other exam are totally different and you have to prepare yourself from zero to expert level for that particular exam. अब ये सोच लो कि आप ये कर चुके तो आप ये कर लो, no, not possible. So you have to work from the scratch, ठीक है। So I hope you are clear with all the points I've covered with the installation of the cost accounting system. इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं था, आपको बस यही ध्यान देना है कि जो costing system है उसको अब हम अपने organization में ला रहे हैं, ठीक। अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे तो वो बहुत सारे डिपार्टमेंट को और बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करने वाला, बहुत सारा काम भी बढ़ाने वाला, तो उस हिसाब से आपको सोचना है और उसको इंक्लूड करना है। तो क्या क्वेश्चन इतने ही पॉइंट तक लिमिटेड होंगे? नहीं, आप जब भी टेस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में आउट ऑफ बॉक्स देती, क्यों? क्योंकि आपको स्मार्ट थिंकर बनना है, ठीक है। यू कैन नॉट मग अप, क्लास 11 12th नहीं चल रहा ना कि इतना पोर्शन रखा, या आजकल ग्रेजुएशन का फैशन है कि बैक पेपर्स कुछ उठा लिया, आजकल पतली येलो बुक्स आती है वो उठा के आपने पढ़ लिया और हो गया, नहीं। इट्स यूपीएससी एंड यू हैव टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओके। सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर विद यू। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। वर्क हार्ड एंड टेक केयर।